मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और ऐसे ही न्यू व्लॉग में। तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। हम भी अच्छे हैं। तो अभी सुबह के 8 बज गए और मेरे को उठना था 6 बजे। तो आज बहुत ही लेट हुई सुबह उठने के लिए, तो मैंने अब जल्दी जल्दी से बस खाना बनाना है। तो मैंने है ना तो रोटी बनाई है थोड़ी सी और सब्जी बनाई है, क्योंकि उनका टिफ़िन तो पैक किया नहीं, आज तो उनको भूखा रहना पड़ेगा। मैंने बोला कि टिफ़िन बाद में ले जाना, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो टिफ़िन बाद में पैक कर देना। इसलिए बस एक रोटी खा के गए और टिफ़िन लेके नहीं गए। तो मैंने बोला एक बजे तक तो भूखा रहना पड़ेगा, तो बोले कोई बात नहीं, आज आज रहे। बहुत खुश हूँ, पता नहीं मतलब मुझे एक ऐसी बात पता चली है जिससे कि मतलब मैं खुश में ना हूँ ना तब भी खुशी आती है, मतलब पता नहीं कैसे अलग ही खुशी है वो, मतलब वो बता नहीं सकती कि है क्या वो खुशी, लेकिन थोड़े दिनों बाद में आपको पता चलेगा कि वो कौन सी खुशी है। मतलब काफ़ी आज खुश हूँ मैं। तो मैंने सारा घर का काम कर लिया है, खाना वाना तो मैंने बना लिया, टिफ़िन तो लेके गए नहीं आज, बस अब देने जाना पड़ेगा 1 बजे। तो मैंने खाना वाना खा लिया है, वह सारा काम फ्री हो गया, मैं पढ़ाई करूँगी। तो मैंने पढ़ाई कर ली है, तो 2.5 घंटे मैंने पढ़ाई कर ली है, और क्लास लेनी थी मेरे को, इसलिए मैंने क्लास ले ली। अब मेरे को बहुत सारे कपड़े धोने हैं, बहुत सारे धोने हैं, 3-4 दिन हो गए उनके कपड़े धोने और मेरे भी धोने हैं। तो मैं आपसे ना धो के फ्री होकर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं टिफ़िन देने के लिए जा रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कितनी दूर जाती हूँ टिफ़िन देने के लिए। कभी कभी जाती हूँ ना, तो कितनी दूर जाती हूँ। तो ये है ना ऑटो, ऑटो उसके पीछे है ना रेलवे ट्रैक है, मतलब पटरी है, तो वहाँ पर देने जाना है मेरे को। तो आ भी गए मेरे हस्बैंड जी। तो दोस्तों, अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मैंने टिफिन ले लिया है और ये अपनी गाड़ी हो चुकी है, अब रवाना। ठीक है रखा। तो ये रेल की पटरी है, यहाँ से रेल ट्रेन जाती है। तो ट्रेन के इस साइड तो लोग रहते हैं, मतलब हाँ घर बार है। तो अब मैं घर जा रही हूँ। तो मैं अभी घर पहुँच गई हूँ, अब पढ़ाई करेंगे। अभी मैं पढ़ाई से उठ गई हूँ, क्योंकि अभी मैं पढ़ाई कर रही थी, लेकिन पास में है ना डीजे बज रहा है और ढोल बज रहे हैं, शादी है आज बारात जाएगी ना, इसलिए मैं काफ़ी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रही थी। मैंने सोचा बाद में पढ़ लेंगे, पहले घर का काम कर लेते हैं। तो मैं दुकान जाके सब्जी रहती हूँ, फिर रोटी सब्जी बनाएंगे। खाना बनाने में आज मैं बहुत लेट हो गई। वो एक पास में एक आंटी जी है, उनकी पोती का बर्थडे था, तो वहाँ पे चली गई थी, तो वहाँ पे है ना टाइम लग गया, इसलिए अभी तक तो खाना भी नहीं बना मेरा। मैंने कढ़ी की सब्जी बनाई है और चावल, तो मेरा काफ़ी मन कर रहा था कढ़ी चावल खाने का। मैंने भी उनको भी बोला कि आज तो कढ़ी चावल बनाऊंगी, तो उन्होंने बोला कि तेरी मर्जी है कुछ भी बना ले। तो बस अभी 8:30 बज गए, तो 9 बजे तक वो आ जाएंगे, तब तक वेट करते हैं, तब तक चावल भी बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पति देव आ गए हैं, बस आते आते समझ ले रहे। तो फ्रेंड्स, हमने अब खाना खा लिया है और बस थक भी गई हूँ सारे दिन में, और ये भी आज थक गए हैं, तो इसलिए हम सो रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जल्दी से यार चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो पूरा देखना, ऐसे नहीं कि हाँ थोड़ा सा देखा हाँ पूरा हो गया, इसलिए पूरा देखना। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और ऐसे ही आपके साथ हमारी वीडियो आती रहेंगी, अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखें, और अपना ही चैनल समझ के पूरी वीडियो देखा करो यार, स्किप मत किया करो। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।